कभी कभी मैं यहां लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका बहुत स्पष्ट की है। माननीय राज्यपाल महोदय के वक्तव्य से हम बिल्कुल सहमत नहीं, हमारी असहमति है। मुंबई और महाराष्ट्र, ये मराठी मानुष ने अपने प्रयासों से, अपने पसीने से और अपने बलिदान से पूरे देश और दुनिया में उसका सुपरिचय देने का काम किया है। कोई भी पद पर कोई भी व्यक्ति मराठी मानुष, मराठी भाषा, मराठी संस्कृति इसको नाखून लगाने का काम न करे, ये हमारी चेतावनी है। जहाँ तक सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी के बयान का सवाल है, बहुत अलग तरीके से उन्होंने आज कहा कि कोल्हापुरी चप्पल राज्यपाल महोदय को दिखानी चाहिए। इतनी ही बेकरारी अगर उद्धव जी को थी तो हमारा सवाल है कि जब सावरकर जी का अपमान किया उस मणिशंकर अय्यर को चप्पल मारने का काम बाला साहब ठाकरे जी ने किया, उस शिवसेना के उद्धव जी आज जरूर बदले हैं, लेकिन सत्ता में कांग्रेस में आने के बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की कांग्रेस ने सावरकर जी का अपमान, अभद्र भाषा का उपयोग किया, तब बाला साहब जी ने दिया हुआ चप्पल मारो आंदोलन क्यों नहीं आपने किया? चप्पल तब हाथ में लेने वाले आपके हाथ कांग्रेस के सामने कौन सा सलाम मार रहे थे? और इसके लिए ये राजनीतिक आंदोलन की भाषा उद्धव जी ना करे। और अगर मराठी आदमी के लिए अगर वो सच्ची में इतने चिंतित थे तो एक ही सवाल का जवाब दे, 25 साल शिवसेना रूलिंग में है, मुंबई महानगर पालिका के 100% कॉन्ट्रैक्टर, ये 25 साल से अमराठी उन्होंने वहां पनपने दिए, क्यों दिए? क्यों नहीं मराठी मानुष को कॉन्ट्रैक्टर बनाया? तो इसके लिए दिखाने के दांत अलग और चबाने के दांत अलग, ये उद्धव जी का रवैया है। जहां तक जितेंद्र आव्हाड जी का सवाल है, उनके सवालों को जवाब देने की भी जरूरत नहीं। हमने देखा है, पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, जब वो हाउसिंग मिनिस्टर थे तब उनके ऑफिस या उनके बंगले के बाहर कोई भी मराठी आदमी की चप्पल नहीं थी कि जो अंदर आके उनसे मदद लेकर बिजनेस कर पाए। सभी अमराठी व्यक्तियों के साथ पार्टनरशिप रखने वाले लोग आज ये भाषा कर रहे हैं, ये राजनीतिक बयानबाजी है। और इसके लिए उनके सवाल का जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।